दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर एक ऐसी क्रिप्टो पर बुलिश है, सिग्नल आ गया है। इस टोकन के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इस ट्रेडर का नाम भी कोई नहीं जानता, सिर्फ इसके वॉलेट का एड्रेस है। इसने अब तक क्रिप्टो की सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रेड की थी और ये अब भी एक ऐसी क्रिप्टो पर लॉन्ग ट्रेड में है जिसका नाम भी मुझे अभी पता चला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊं, हो सकता है कि ये आपके काम आए। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। GCR, ये नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हर चीज कांपने लगती है। इस बात को समझने के लिए आपको ऑन चेन एनालिस्ट होना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आप इसके वॉलेट को ट्रैक कर सके, देखें कि इस वॉलेट की हिस्ट्री क्या है। जब आप GCR वॉलेट की 5 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये कोई भी ट्रेड नहीं हारा, इस बंदे ने कोई लॉस किया ही नहीं। फिर आप जनवरी 2022 में जाते हैं, आप देखते हैं कि इस वॉलेट ने जनवरी में लूना कॉइन पर शॉर्ट पोजीशन ली और इसको $1 तक शॉर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं कि लूना इस वक्त $90 पर था, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि 5 महीने बाद क्या होने वाला है। जब इस वॉलेट ने शॉर्ट पोजीशन ली तो टेरा फाउंडेशन के सरबरा से सवाल हुआ कि GCR ने लूना पर शॉर्ट पोजीशन ली है। उस वक्त डूगे वॉन टेरा की कामयाबी के नशे में था। उसने बहुत तकब्बुर से कहा कि अगली बेयर मार्केट में बहुत से क्वाइन तबाह होंगे, बहुत सी कंपनियां खत्म होंगी और मैं बैठकर हंसूंगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हंसी GCR पर आएगी क्योंकि वो तबाह होने जा रहा है। GCR कभी ये ट्रेड नहीं जीत सकेगा। उस वक्त GCR का लूना कम्युनिटी ने भरपूर शोर लगाया, उस पर ट्रोलिंग हुई, खूब तबाह लगाया गया, GCR वॉलेट का नाम गाली बना दिया गया। लेकिन फिर जो हुआ वो सबने देखा। GCR ने मई में बिटकॉइन को भी शॉर्ट कर दिया जो 40,000 के करीब था और 16,000 की पोजीशन ली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख है। इस वॉलेट ने आज तक जो जो पोजीशन ली है वो जीती है। ये शॉर्ट और लॉन्ग गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है और लूना की तबाही के बाद तो सब इस GCR से डरते हैं। यहां मैं ये बता दूं कि GCR इस वॉलेट का नाम है, इस शख्स का असल नाम क्या है कोई नहीं जानता। तो अब सबसे अहम बात कि ये किस टोकन पर बुलिश है। तो इस टोकन का नाम है मून, MOON, मून यानी चांद। GCR ने इसकी स्पॉट बाइंग भी की है, इसको लॉन्ग भी किया है। मून टोकन की लॉन्ग पोजीशन $12 है और इसने 40 सेंट के करीब $1 मिलियन के मून टोकन खरीदे हैं। इनमें से $1,00,000 लॉन्ग पोजीशन के हैं जबकि बाकी स्पॉट बाइंग है। तो अब देखते हैं कि मून टोकन है क्या। तो ये एक कम्युनिटी टोकन है। आपने रेडिट के बारे में सुना होगा, ये सोशल मीडिया ऐप है जहां मुख्तलिफ कम्युनिटीज आपस में डिस्कशन करती हैं और अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। एक रेडिट कम्युनिटी मून ने अपनी कम्युनिटी के इस्तेमाल के लिए ये टोकन बनाया था ताकि वो इस टोकन में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकें। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए भी आपको मून टोकन की जरूरत पड़ती है। क्या इस टोकन का कोई बड़ा यूज केस है? तो भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कम्युनिटी अपने टोकन को बहुत ज्यादा पुश कर रही है। वो बड़ी से बड़ी फीस अदा करके भी इसे मुख्तलिफ एक्सचेंजों पर रजिस्टर करवा रहे हैं। अभी उन्होंने इसे क्रैकन पर रजिस्टर करवाया है और आइंदा कुछ दिनों में बाइनेंस समेत बाकी बड़ी एक्सचेंजों पर भी ये जा रहे हैं। रेडिट कम्युनिटी टोकन या सिर्फ कम्युनिटी टोकन की अहमियत इस वजह से भी होती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके पीछे होते हैं, यानी इसको अपने पास रखने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी होती है। इस बात की अहमियत का अंदाजा कुछ यूं लगाएं कि इथेरियम और बिटकॉइन के अलावा शायद ही कोई टोकन ऐसा हो जिसके ऐसे 1,00,000 वॉलेट्स हों जो इसे खरीद कर रख लें और फिर टोकन रखे जाए और दोबारा इस्तेमाल ना हो। ऐसी कम्युनिटी अगर $100 के भी टोकन खरीद कर अपने पास रख ले तो आप खुद सोचें कि सप्लाई का कितना बड़ा हिस्सा मार्केट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि टोकन पर सप्लाई प्रेशर बहुत कम होगा और इस वजह से प्राइस अपवर्ड इलास्टिक होगी, वो आराम से पंप हो सकेगी।
और हर एक्सचेंज लिस्टिंग इस पर बड़ा असर डालेगी, क्योंकि इसे हमेशा मजीद खरीदने वाले ही मिलेंगे। मून के बारे में एक और बात बताना भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने इसे ट्रैक कर सकेंगे या नहीं, लेकिन ये आर्बिट्रेम नोवा पर तैयार किया गया है। आर्बिट्रेम की वजह से इस टोकन की तमाम एक्टिविटी ऑन चेन मौजूद है और इसे बहुत आराम से ट्रैक किया जा सकता है। इस टोकन को आप डीफाई लामा पर भी ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप टोकन के बारे में अपनी राय बना सकें। मैं यहां पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ना हो कि आपको लगे कि मैं आपको ये टोकन बेच रहा हूं। मैं आपको बस GCR की अहमियत बता रहा हूं, ताकि आप भी क्रिप्टो को मुख्तलिफ अंदाज से देखने की सलाहियत हासिल कर सकें। GCR ने इस ट्रेड के लिए इथेरियम को इस्तेमाल किया है, यानी इसने इथेरियम देकर मून लिए हैं, मगर ये बराह रास्त नहीं हो सकता था, तो वो WETH पेयर में गया और इन्हें मून में कन्वर्ट किया। यानी इसके पास USDT का पेयर नहीं है, इसके पास बुनियादी तौर पर इथेरियम का पेयर है। वो इथेरियम में प्राइस को ऊपर जाता देख रहा है, यानी इथेरियम की टर्म्स में प्राइस ऊपर जाएगी और ये अपने प्रॉफिट में इथेरियम को बीट करेगा। अगर आपको पेयरिंग का नहीं पता तो मैं माजरत खा हूं, लेकिन ये बहुत बुनियादी सी बातें हैं, आप इस पर किसी की वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं यहां ये फिर बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी तौर पर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और ना ही इस टोकन में आपको मैं शामिल करना चाहता हूं। मैंने जाती तौर पर भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और ना मैं आपके लिए ये चाहता हूं। बस ये अहम तरीन बंदा है, इस वजह से आपको ये बता दिया, मगर मैं यहां पर ये तस्लीम करता हूं कि मैं भी स्मार्ट मनी को फॉलो करता हूं, लेकिन सिर्फ अच्छी क्रिप्टो में, मैं ऐसी चीजों में नहीं जाता। GCR वॉलेट के बारे में आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता हो, आप देखें कि मार्केट को कौन लोग चलाते हैं और वो आखिर ऐसी पोजीशंस क्यों लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हैं और फिर वो लोग आपको कहते हैं कि मुझे सिग्नल आया है, मैं भी ये कर सकता था, आपको कहता कि ये टोकन बाय कर लो, मुझे सिग्नल आया है, और अगर दिसंबर या जनवरी तक ये ऊपर चला जाता तो आप सब बाबा जी के मुरीद हो जाते, क्योंकि GCR आज तक कोई ट्रेड नहीं हारा और मुझे यकीन है कि ये भी नहीं हारेगा। इसे ऐसा बहुत कुछ पता होता है जो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं भी बस ये कहानी आपको सुना सकता था कि भाई सिग्नल आ रहे हैं, बस खरीद लो। लेकिन मैं ऐसी चवले या यावियां नहीं मारता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे देखने वाले बेहतरीन मालूमात से भरे हों और उनको कोई भी चे ना बना सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी अपने राय से आगाह करें, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। आप ट्विटर पर भी, जो अब इलोन मस्क की एक्स हो चुकी है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर एड्रेस हर वीडियो में मौजूद होता है और मेरे DMs भी ओपन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।